बिंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज लाइव डेमो दिखाऊंगा। मैंने बहुत ही देर हो चुका हूँ, तो देखते हैं लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ लेवल्स मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मैंने देखिए, इसमें जो मेरा जो एक्सेल फाइल है, तो जो मेन एक्सेल फाइल है उसमें मैंने अपडेट करने का, इधर एक्चुअली बैंक निफ्टी का सेक्शन रहता है, तो इधर से मैंने इसको कॉपी कर लिया, नीचे आ गया, और फार्मूला को मैंने ड्रैग कर लिया। तो इधर से आप लोग को लेवल दिखाने का कोशिश करूँगा। तो इधर से फार्मूला ड्रैग करके लेवल को मैंने एक्चुअली वो करने के लिए अपडेट करने से थोड़ा सा टाइम लग जाता था, तो इसीलिए इधर से आप लोग को लेवल दिखाऊँगा। इसमें बैंक निफ्टी का जो है, इसमें जो लेवल निकल के आता है इधर, ये 664 का जो लेवल है, 664 का लेवल का ऊपर जाएगा तो इसका 664, 658 का लेवल, चलिए नहीं 664, इधर से दिखा रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, बैंक निफ्टी 686 का जो लेवल क्रॉस करेगा तो इसका 731, 782, 827 तक जा सकता है, और निफ्टी 9381 क्रॉस करेगा तो ये 9392, 9416 तक जा सकता है। और इधर से मैंने जो लेवल और जो और इसका सेल लेवल आएगा 20,459, 9327, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोग को बोल देता हूँ, इधर एक्चुअली 20,664 के ऊपर ये 700 जाएगा, 736 सेकंड तो जाएगा, और इसका जो लेवल है 592 के नीचे 556, 520 तक आ सकता है। चलिए मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए 592 के नीचे आ रहा है, तो ये 556 तक पहले आ सकता है। दोस्तों देखिए 558 ऑलरेडी आ चुका है, 556-597 आ गया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है इसका 592, 556 का नीचे ये 520, 784 तक आ सकता है, आप लोग देखते रहिए। और इधर 9360 के नीचे, 9,360 के नीचे 9,336, 9,312, 9,200, 9,928 ऐसे तक आ सकता है, तो देखते रहिए। ये 520, इसका नेक्स्ट टारगेट 520 है, आप लोग देखते रहिए।
देखिए ये साइडवेज मोमेंटम आया है, मोमेंटम चल रहा है अभी तक 520 तक, लेकिन 592 के नीचे ये 520 तक आ गया था। ठीक है, इधर देखिए 592 से नीचे 556 तक आ गया था, तो 556 का भी नीचे गया था 550, तो इसमें 520 तक आने का चांसेस है। और 400 उसके बाद 484, 449, 413, मनोमल्ल 20,413। ठीक है, और इसमें और निफ्टी का 9,360 का नीचे 9,336, 9,312 तक आने का प्रॉबिलिटी है, 9,218 इसका नीचे ऐसे लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आ सकता है, एक लेवल क्रॉस करेगा तो देखते हैं। एक लेवल को आप लोग को दिखा चुका हूँ, चार्ट भी थोड़ा सा अभी 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। नीचे आ रहा है, चार्ट में भी क्रॉस पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस हुआ नीचे दिखा रहा है और इधर का भी दिखा रहा है। आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकता है, या ये लेवल्स आप लोग को सिखाई दे जाएगा, ये चार्ट सेटअप भी आप लोग को सिखाई दिया जाएगा। तो ये इसमें आप लोग को इसमें यह इससे ऊपर आप लोग के ऊपर आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, और ये आप लोग को जो लोग नहीं जानता है उन लोग को पता नहीं है ये कितना, मतलब इसका ताकत कितना है, इतना स्ट्रेंथ कितना है, ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग काम कर सकता है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको जरूर आप लोग को ले लेना चाहिए। और इधर का 5 मिनट चार्ट, इधर का जो लेवल था इधर 5 मिनट, एक बार देखना पड़ेगा 5 मिनट का टाइम पे मैं क्या दिखा रहा है। हाँ, ये नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे दिख रहा हूँ मैंने, चला तो उससे चला गया है चार्ट, ये नहीं है तो इधर से देख लेता है, इसमें नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। देखते हैं इसमें तेरी कौन सा लेवल पे है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, अभी भी थोड़ा सा ये साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, लेकिन इसका और
520 तक आने का चांसेस है, बनता है, और निफ्टी का 9360 के नीचे, इसका 9360 के नीचे 9336 पहले आ सकता है। ये तो 592 के 556 आ गया है, इसके बाद 520 484 तक आ सकता है, और निफ्टी का 9336 9312 तक ये आ सकता है। देखता है मार्केट, और मेरा देखिए मेरा रिकॉर्डर में थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप लोग को जब फाइल जब लोड कर दूंगा, ये आप लोग को यूट्यूब वीडियो जब मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग उसके बाद मार्केट में क्या चेंजेस है आप लोग उसके साथ मैच कर सकता है। इधर भी इसका लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा फाइल नहीं अपडेट करके उसको नीचे बैठा के उसको फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया, तो इधर 686 के एक्चुअली 664 का लेवल ही ठीक है, 20,664 के ऊपर ही भाई बनेगा, और इधर से एक्चुअली रिवर्सल होता है, 45 डिग्री का पकड़ना चाहिए, लेकिन इधर 594 से ये 548 पहले इसका आ सकता है, उधर 20,459 आ सकता है, ये 9,348 आ सकता है 58 के नीचे, उसके बाद 9,327। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, अभी देखते हैं मार्केट में दिखता है। सभी समय दो तीन टारगेट नहीं मैच करता है, और अभी मैंने लास्ट मोमेंट में आप लोग को जस्ट दिखाने के लिए मैंने लास्ट मोमेंट में लेवल निकाला, थोड़ा सा फिर से ऊपर जा रहा है, इसमें थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा ये सपोर्ट लिया, इस पोजीशन में तेरी की नेट बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं कट जा रहा है नेट। ठीक है तो नहीं चल, ऐसे चलता है तो इधर क्रॉस ओवर पूरा नहीं हो पाया, इधर आके सपोर्ट लिया थोड़ा सा, देखता है, लेकिन फिर से इसका 664 का उसके ऊपर इसका बाई का लेवल है, उतना तक स्टॉप लॉस लग के आप लोग नीचे ही ट्रेड रख सकता है, 664 के ऊपर जाएगा तो बाई का लेवल में चला जाएगा। लेकिन इसका अभी जो है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ये नीचे जाने का इधर से जो चार्ट का सेटअप बिक रहा है, इसका ट्रेंड लाइन भी क्रॉस किया है, तो इसका जो ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है ये क्रॉस किया है, तो इसका नीचे ही जाना चाहिए दोस्तों, तो अभी देखते हैं। इधर से भी थोड़ा सा एक सिग्नल दिख रहा है, थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अभी थोड़ा सा नीचे ही आएगा, इसका आज का हाई तोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, और हाई जाएगा, ये नीचे ही आने वाला है,
अच्छा, 11 बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, पुल बैक हो रहा है वोलेटिलिटी का वजह से, देखते हैं। इधर देखिए 20,000, ये कितना है, यहाँ 87 का लेवल के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद इसका जो एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये क्रॉस करने का मुश्किल है। मतलब 20,630 तक फिर से ये रिट्रेस होकर फिर से नीचे आने का प्रॉबिलिटी दिख रहा है। उस लेवल पे अटक जा रहा है। उसका जो इसका ब्रेक होना मुश्किल है, इसका जो ट्रेंड लाइन है ये जो है ये ब्रेक हो चुका है। इसका ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन गया है इसका ब्रेक हो चुका है। ये थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है लेकिन लगता नहीं है अभी ये इसका इसको ब्रेक कर पाएगा फिर से। इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन गया है तो मेरा नहीं लगता है कि इसका ब्रेक करेगा। फिर से जा रहा है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। मार्केट अभी भी साइड वाइज चल रहा है। 556 का नीचे थोड़ा सा आया था, 550। ₹900 के नीचे झटक से चला आया था 556-550 तक, लेकिन इसका नीचे 520 का लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, टाइम हो जा रहा है 2:53, 59 साइड में जाना, ये साइडवेज ही चलेगा लगता है। और अब मूवमेंट फिर से ये ऊपर चल रहा है, और मैंने जो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस किया था तो उसमें भी आप लोगों को दिखाया था कौन सा लेवल पे ये कौन सा लेवल पर जा सकता है। तो इसमें जो मैंने आप लोग को फाइल दिखाया था तो कल का जो ट्रेंड था मैंने प्रिडिक्ट किया था कि थोड़ा अप मूवमेंट में जाने का प्रॉबिलिटी है। तो इसका जो लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा ये कल का फाइल है, एक्चुअली इस लेवल से आप लोग को दिखाया था।
इसमें जो लेवल्स दिखाया था आप लोग को, देखिए कोई भी लेवल पकड़ लीजिए आप लोग को, सोच लीजिए एकदम पहले जो वैसे लेवल 1 था, तो इसमें क्या है 9296 का ऊपर ये ऊपर जाने वाला था, 20,165 के ऊपर इसे ऊपर जाने वाला था। तो ये तो आज का जो मतलब मैंने फ्यूचर को ही मैंने देखता हूँ, 927 है, 92 देखता है इसका कहाँ पर ओपन हुआ था, 20,399, उसके बाद 20,399 के बाद ये कहाँ पर कौन सा दिशा में गया था, इधर ओपन होने के बाद ये 20,300 एकदम 20,399 से 457 तक पहले हाई मारा था 5 मिनट में, वो तो आप लोग पकड़ नहीं पाते थे, मार्केट में कुछ फिजिबिलिटी रहता है 20,362, उसके बाद 457 तक ये ऊपर गया था, तो उसका लेवल आप लोग को पकड़ना संभव नहीं होता है, तो उसके बाद ये नीचे आया था, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, जब इसके बाद ये नीचे आया था, इसके बाद नीचे आया था, नीचे का लेवल कुछ आया नहीं था, नीचे का जो लेवल था वो आया नहीं था, उसके बाद फिर से जब ये ऊपर गया था, इसका देखिए इसका जो ऊपर गया था ये ऊपर चला गया एकदम 657 तक, इसका लेवल 362 का ऊपर इसका जो लेवल दिखा रहा है, 362 का लेवल ये 742 तक दिखा रहा है, लेकिन 600 समथिंग कितना गया, 670 तक गया था, ये तो साइडवेज चल रहा है अभी, लेकिन हाई लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली लेवल रिवर्सल का लेवल एक्चुअली है 459 का नीचे, तो उसमें आ गया है, इसमें इसीलिए आप लोग को दे दिया, तो ठीक है, तो अभी वो भी लेवल अचीव होना चांसेस है। और इधर निफ्टी का देखिए, निफ्टी का 9,079 के ऊपर, 9,094 ऊपर गया था पहले, और भी लेवल पकड़ना संभव नहीं हो सकता था, उसके जब जब 9,379 निफ्टी का क्या चार्ट दिखा रहा है, ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे चला आया, नीचे का लेवल इसका था, नीचे का जो लेवल था ये है 9,236 का नीचे, 9,036 का नीचे आ नहीं पाया, उसके बाद फिर से जब इसका लेवल ब्रेक किया था तो ये 9,394 तक, 9,394 तो ऊपर ही गया था, ठीक है। और भी लेवल सब लोग को दिखा देता हूँ कैसे मैच करता है, कैसे काम करता है ये, इधर देखिए, इधर 20,109,345 इसका ऊपर, 395,466 का लेवल जब क्रॉस किया तो ऊपर गया था, और सपोर्ट का लेवल में नीचे तो आया नहीं था, और नीचे का लेवल में ये 9,375 के नीचे 9,257 तक ये नीचे आ गया था, और इधर ऊपर का 9,299 के ऊपर ये ऊपर गया था, ठीक है, कोई भी लेवल आप लोग देख सकता है। और इधर सोच लीजिए ये था ये 9,336 के ऊपर या 9,342 के ऊपर, तो इसका ऊपर का लेवल था, तो ऊपर का लेवल कैसे अचीव हुआ आप लोग देख सकता है। तो अभी क्या पोजीशन चल रहा है, और साइडवाइज मूवमेंट दे रहा है अभी साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, एक टारगेट लगा के साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। मैंने जो बोला था ज़्यादा ऊपर अभी
जाने का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल्स देख किया, इसका देख किया, इसका देख किया, अभी तक ये लेवल्स भी है, ये लेवल ब्रेक नहीं पा रहा है। इसका जो लेवल है, इधर का जो आप लोग का लेवल दिख, लेवल ब्रेक नहीं हो, लेवल ब्रेक नहीं हो, लेवल ब्रेक नहीं हो, लेवल ब्रेक नहीं हो, लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। इसका जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक किया है, अभी इसको अभी तक इसका 20,664 मतलब जो इसका जो फ्यूचर है 20,600 लेवल पे है, 60 का लेवल पे है। देखता है 20,664 के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। जो ट्रेन लाइन है एक्चुअली ये 5 मिनट में मैंने डाला है, 20,653-654, ठीक है। इसका लेवल क्रॉस करेगा तो इसका ऊपर जा सकता है। ये क्रॉस कर दिया, ब्रेक हो गया है तो इसका ऊपर जाएगा, तो इसका देखते हैं इसका बाई साइड में आ गया है। बाई साइड का जो लेवल है, बाई साइड का लेवल इसका बनेगा, बाई साइड का जो लेवल है, बाई साइड का जो लेवल है 20,664 का, वो ये 700 तक जा सकता है, उसके बाद 20,736 तक जा सकता है। अभी तक लेवल ब्रेक नहीं हुआ, देखते हैं 20,664 गया था क्या। 1 मिनट चार्ट में देख लेता है, 663 है, गया नहीं है, गया नहीं है, 663 गया था, 664 गया नहीं है। देखते हैं 663 का ऊपर, 664 का ऊपर इसका वाई का लेवल आएगा।
अभी भी इसका 664 का लेवल क्रॉस नहीं पाया है। ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी की वजह से, थोड़ा सा बाइंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा अप जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका जो मैंने आप लोग को इधर से दिखाया उसका ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उस लेवल का अंदर ही है। ये थोड़ा सा क्रॉस किया लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, ये फिर से नीचे आया है। इसका भी कैंडल का क्लोजिंग अभी तक नहीं हो रहा है। इस कैंडल ना, ये कैंडल का तो क्लोजिंग हो गया है। इसका देखिए फिर से ये कैंडल चल रहा है, नीचे चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट है दोस्तों। एक बार इसका लेवल दिखा दिया और लास्ट मोमेंट में अभी जाता। लेकिन आप लोग मेरा जो फॉलो करेंगे लाइव डेमो वाला वीडियोस और जो पिछले वाला जो लेवल्स मैंने अगला दिन देता हूँ और अगला दिन का जो लेवल्स दिखाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। आप लोग देख सकते हैं इधर से, आप लोग इधर का लेवल भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें 45 डिग्री का जो एनालिसिस था, सॉरी 360 डिग्री का, 360 डिग्री एनालिसिस का, इसमें देखिए एक कल का फाइल था ना, तो ये तो बहुत ही गैप डाउन गैप अप हुआ था। मैंने आप लोग को बोला था गैप अप होना गैप डाउन के बारे में, तो देखिए 20,271 के ऊपर जब गया तो इधर पहले तो ये ओपन होके नीचे आ गया था, उसके बाद फिर से जब ये गया 515, मैंने ऐसा बोला था आप लोग को हमारा बाई सेल लेवल नोटिस करेंगे तो ये रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है, तो आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। तो ये 20,271 के ऊपर ये 20,515 660 तक लेवल था, लेकिन 670 तक गया था। और निफ्टी का भी इधर से जो लेवल था 9,272 के ऊपर 9,386, ठीक है, 1,385 तक गया था। और इधर से जो देखूंगा तो लेवल, इधर का लेवल देखूंगा तो आप लोग कोई भी लेवल देख सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने और क्यों मैंने लेवल दिखाता हूँ कि दो तीन लेवल कंपेयर करके देखने से अच्छा मूवमेंट मतलब एक डिसीजन लेने से सुविधा हो सकता है। लेकिन आप लोग ये मैंने करता हूँ तो आप लोग कोई भी एक लेवल यूज़ कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब लेवल्स आप लोग को सिखाया दिया जाएगा जो तेरे की वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, हजार 360 का ऊपर देखिए 275 का नीचे तो आ गया था, उस टाइम नहीं ले सकता था, उसके बाद 360 के ऊपर जब ले सकते थे तो ये कितना हाई गया था 300 360 के ऊपर 626, 626 ये मैंने कल का फाइल दिखा रहा हूँ 626, उसके बाद ये 811, लेकिन इसका 626 के नीचे 670 तक गया था, ठीक है। और निफ्टी का भी ऐसा ही है, आप लोग निफ्टी का भी इसमें देख ले सकता है। तो अभी क्या चल रहा है, वो ऐसा ही लेवल है, ये नहीं ऊपर जाने वाला नहीं है, नीचे जाने वाला नहीं है, ये रेंज में फंस रहा है, रेंज के अंदर ही ये फंस रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो पा रहा है,
तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो यही ख़त्म करता है। आप लोग लास्ट मोमेंट तक ऑब्जर्व कीजिए। ऊपर 20,664 ब्रेक करेगा तो ये ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा, और निफ्टी 9,000 कितना लेवल था, तेरी क्या हो रहा है। बीस हजार निफ्टी 9,384 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये 9,409 तक जा सकता है। तो आप जब कर रही आप लोग, ये ऑलरेडी 9,396 हो चुका है ये। अभी हाँ, 64 अभी तक ब्रेक नहीं किया, देखते हैं। निफ्टी देखिए 9,409 तक इसका पहले जा सकता है। 9,398 तक गया, 9,084 से 9,384 से 409 तक ये जाने का प्रोबेबिलिटी है। अभी तक 9,400 ब्रेक नहीं हो पा रहा, ये इसमें 683 गया है। इसका लेवल जो है, इसका लेवल है 700 का लेवल है। पहले इसका 700 का लेवल है, इसके बाद 771। देखते हैं लास्ट मोमेंट में क्या दिखाता है। ये 684 हो गया, निफ्टी 9,400 हो गया, 409 तक तो जा सकता है, 401 हुआ। ये 700 तक तो जाएगा क्या नहीं जाएगा, देख सकते हैं, देखते हैं एक बार। छः सौ चौसठ के ऊपर ये 684 गया है, निफ्टी 9,401 तक गया है, देखते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, वो भी 403 हो गया, वो 403 देखते हैं। फर्स्ट टारगेट का तो आसपास चला गया है, 9,384 से इसका लेवल दिखाया आप लोग को। कहाँ पर, हाँ 9,384 से 664 से 300 384 से 7,409 इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, देखना पड़ेगा, नहीं जा सकता है। लेकिन 603 तक चला गया, ये 684 का ऊपर ये 700 तक जा सकता है। 664 से गया था, 684 तक गया है, देखते हैं। लास्ट मोमेंट में अक्सर ज़्यादा मैंने सुबह सुबह दिखाता था तो अच्छा मूवमेंट आप लोग को दिखा सकता था, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट आप लोग को दिखा दिया, देखते हैं इंतजार करता है, नहीं जा सकता है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो BTST का कुछ हो सकता है, इसी का वजह से वो कुछ बाइंग हो सकता है। और ऐसा ही था, अभी भी नेट का प्रॉब्लम है।
नेट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा सा हो रहा है। मेरा ख्याल से 3-20 के बाद थोड़ा सा बाइंग आ सकता है BTST के वजह से। कॉल बाइंग करेगा बहुत ही रुकावट आ रहा है। हम लोग को जो 360 डिग्री का एनालिसिस दिखाया था उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। मेरा निफ्टी का चार्ट एनालिसिस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कैसे अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। यही आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा मार्केट का मूवमेंट पकड़ने के लिए। इसमें देखिए जो इसका जो 360 डिग्री एनालिसिस है अभी देखे इंटरडे के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कुछ साइडवेज मूवमेंट चलता है लेकिन अब लोग उसमें लेवल में काम करना पड़ता है। देखिए इधर 9390 मैंने बोला था एक का है लेवल है, इसका जगह 9482 9500 ये 9784 तक 64 तक भी जा सकता है। इधर कल इसमें क्लोजिंग दिया था 9345 का आसपास, इसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ है, ये देखिए 700 का आसपास ये चल रहा है, 750 का आसपास 700 का जा रहे जाने का कोशिश कर रहा है। नेट में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। ₹84 के ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकता है। लेवल में थोड़ा सा दे रहा है दर पॉइंट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा प्रोफाइल 695 तक इसका जाने का प्रायोरिटीज दिखता है। 675 का लेवल क्रॉस किया है तो इसके बाद वो प्रोफाइल क्रॉस करेगा तो इस प्रोफाइल क्रॉस करेगा तो 679 इसके बाद 692 678 क्रॉस करेगा तो 692 टच कर सकता है। हाँ 685 चला गया 685 इसके बाद 692 का लेवल शायद टच करने का कोशिश करेगा 687
99 का लेवल अचीव करेगा लगता है। 99 हो गया, 91, 92 टच कर लिया, देखते हैं 700 का टच करता है क्या नहीं करता है। 95, 96, 97, 98, 700 टच कर लिया दोस्तों। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर का लेवल टारगेट का था, सत्सो का टच कर लिया है। मैंने बोला था 23 के बाद थोड़ा सा आने का कोशिश करेगा, क्योंकि बीटीएसटी की वजह से कॉल बाई होगा। तो देखिए नेक्स्ट लेवल ये कितना दूर तक जा सकता है। अभी थोड़ा सा एक्चुअली फिर से एक लेवल ब्रेक होने के बाद कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए ये जो 592 का लेवल का नीचे जो ये गया था, इसके बाद फिर से कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, 664 के ऊपर 700 का टारगेट इधर अचीव हो गया है। दोनों साइड में आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का भी आप लोग देखा 736 तक इसका अभी देख रहा है। 634 के ऊपर जाना मुश्किल है, 734 जा सकता है। 700 के बाद 870, उसके बाद 807, तो 634 तक जा सकता है, लेकिन अभी भी नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। और आप लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप लोग ले सकता है, ये सब लेवल्स वगैरह आप लोग को कैलकुलेट कर सकता है। वही चार्ट का सेटअप्स जो है इधर का आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग को दिखा दिया ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ है। तो वीडियो यही ख़त्म करता है दोस्तों, धन्यवाद दो।